सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि बहुमत, अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं दोनों। भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं, बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली नहीं, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो।